अस्सलाम वालेकुम जी खान साहब, क्या कहना चाहेंगे आप खैबर पख्तूनख्वा के बारे में? पहले किसको वोट देते थे आप और अभी क्या हालात है खैबर पख्तूनख्वा में? सर जी, पहले हम लोग वोट देता भी नज़ीर को, सही है, वो जरदार को, वो पहला पता नहीं था यार, वो पूरा चोर लोग है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान आएगा, इमरान खान को वोट देगा इंशाल्लाह, इस बार बनेगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। क्यों? पाकिस्तान से हम अभी आए, हम देखा लत देखा, साफ सुथरा कानून, पुलिस, सब चीज़ हॉस्पिटल में। हम गया खुद 3-4 दफ़ा गया हॉस्पिटल में, बीमार था वो, बहुत इज्जत होता है हॉस्पिटल में। स्कूल अच्छा किया, बच्चा जाता है, किताब देता है, बैग देता है, सब चीज़ देता है बच्चा को, वो बच्चा भी खुश है अभी सरकारी स्कूल में। पहला प्राइवेट में 1,000-1,500 फीस देता, अभी कोई प्राइवेट में नहीं जाता है, सरकारी स्कूल में जाता है। रोड साफ सुथरा है, पुलिस सही है, चोरी नहीं है। पहला चोरी करता वो ऐसा चेकन करता, अभी सिर्फ कार्ड पूछते हैं, ऐसा कार्ड है, कार्ड दिखाओ। अभी कुछ रोड में सो जाओ, पेशावर में रोड में सो जाओ, तुमको किसी कोई आदमी हाथ नहीं लगाएगा। अच्छा बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, इस बार इंशाल्लाह आएगा इमरान खान। ये पूरा नवाज शरीफ जरदार ये पूरा झूठ बोलता है, ये पूरा उसको झूठ है। हम लोग तो झूठ नहीं है, हम लोग इधर क्या करता, अपना मुल्क में काम करता। इमरान खान सच आदमी है, दिल से बोलता है। कोई लड़की उसको गंडा करता है, बोलता है ऐसा है, वो झूठ है पूरा सब। हम लोग यकीन नहीं आते, इंशाल्लाह हम लोग इमरान खान पर यकीन है। अल्लाह ताला इसलिए हम लोग नमाज पढ़ेगा, इसके लिए दुआ करेगा, हमारा मुल्क में आएगा वो, सही है, क्यों हमारा मुल्क अच्छा हो जाएगा। ये बहुत क्या क्या हमारा मुल्क में गंदा किया, गंदा बनाया, बच्चा मारता है सब लोग, कोई पूछने वाला नहीं है, छोटा छोटा बच्चा मारता है पूछने वाला नहीं है, आदमी रोड में फेंकता है पूछने वाला नहीं है। वो क्यों हमारा हुक्मरान सही नहीं है? हमारा हुक्मरान सही था, ऐसा काम नहीं होता। इंशाल्लाह इमरान खान आएगा, तुम भी देखो हुक्मरान, बाद में तुम देखो मुल्क, देखो मुल्क कैसा बनाया, पेशावर ऐसा बनाया था ना, हम क्या देर खुश हो गया, उधर गया, हम बोला ये दुबई में आया, दोबारा दुबई में आया। सेम साफ रोड, बिल्कुल साफ सुथरा रोड, खूबसूरत। इमरान खान जिंदाबाद, इंशाल्लाह इमरान खान आएगा। शुक्रिया खान साहब, थैंक यू।